हाय फ्रेंड्स, मैं पम्पी, ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग ठीक ठाक से हैं और अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी हैं। आज मैं ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा एक ये मिनिएचर रोज़ प्लांट है और इसकी ग्रोथ देखिए इतनी अच्छी है और इसमें खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है और ढेर सारे कलियाँ भी खिल रहे हैं। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ मैंने इसमें फरवरी में क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया था उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि ये इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये दूसरा एक वेराइटीज का रोज़ प्लांट है, ये देखिए, ये भी मिनिएचर रोज़ प्लांट ही है और इसमें भी मैंने वो खाद अप्लाई की थी। और ये देखिए, इसमें भी इतनी अच्छी तरह से कलियाँ बन रही हैं और ये तो खिलकर भी मुरझा गया है। और इसमें देखिए, ये देखिए, और ये दूसरी है, ये वाइट है, वाइट में है, ये देखिए। ये मेरे सभी पौधे 6-8 इंच के पोट में लगाई हुई है और इसमें मैंने मिट्टी वेल्ड्रन बनाई है, जिसमें मैंने 1% थोड़ी सी गोबर की खाद में वो बालू मिट्टी यूज़ की है, उसमें ही ये रोज़ प्लांट मैंने लगाई हुई थी। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, जिससे मैं आप लोगों के साथ में इसमें क्या मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ की थी इसके बारे में शेयर करूँगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में आप लोग जब मैं इसमें अप्लाई करूँगी, ये भी मेरा 8 इंच के पोट में लगाया हुआ है। पहले आप फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले इस तरह से जो भी इसके ऊपरी हिस्से में जो भी पौधे हैं ये सब हटा लीजिए और इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कीजिए। इस तरह से गुड़ाई कीजिए और इसके बाद में इसकी ऊपर की 2 इंच मिट्टी आप निकाल के रख दीजिए। इस तरह से इस मिट्टी को हम फिर यूज़ करेंगे। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। इसमें मैंने ली है, ये देखिए, ये बोन मिल है और ये नीम खली है। नीम खली फंगिसाइड की तरह ही यूज़ करेंगे, जो उसके जड़ों में फंगस कीड़े लग जाते हैं, ये डालने से उससे छुटकारा मिलेगा। और ये चाय पत्ती है, जो हम चाय बना के जब चाय पत्ती बच जाती है उसको मैंने अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लिया है और इस तरह से कंटेनर में भरकर रखा है। और ये है मस्टर्ड केक की पाउडर और यहाँ पे मैंने ली है अंडों के छिलकों की पाउडर, इसको भी मैंने मिक्सी में पीसकर गुड़ा कर लिया है। ये देखिए, एक बड़ा चम्मच मैंने ये पाउडर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें ये एक बड़ा चम्मच बोन मील। इसमें ज़्यादा परिमाण में कैल्शियम होता है, जिससे कि प्लांट्स में अच्छी तरह से फ्लावरिंग आती है। और ये एक बड़ा चम्मच नीम खली ली है और उसमें ये चाय पत्ती डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी ये मस्टर्ड केक का पाउडर। इन सभी को इस तरह से मिक्स करके
अब हम इसके पौधों प्लांट के चारों तरफ ऐसे करके डालेंगे। ये देखिए मैंने किस तरह से डाल रही हूँ, देखिए देखिए। अब इसमें हम वो जो हमने मिट्टी उसके ऊपरी हिस्से की मिट्टी जो निकाली थी, अब वो हम इसके चारों तरफ से ऐसे ढक देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ढक देंगे। आप ये काम, ये फर्टिलाइज़र आपके रोज़ प्लांट में फरवरी मार्च महीने में कर सकते हैं, जिससे कि ढेर सारी आपके पौधे में कलियां खिलेंगे। ये देखिए इसमें भी बहुत सारे कलियां आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी ये देखिए कलियां आई हुई है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है रोज़ प्लांट के लिए। इस तरह से आप लोग के भी रोज़ प्लांट में इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सब इतनी सारी क्वांटिटी आप एक प्लांट में काफ़ी है आप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं इसमें भी यूज़ करूँगी। मैंने इसमें ये यूज़ नहीं किया है, मैं इसमें भी यूज़ करूँगी। इसमें भी देखिए इतनी सुंदर से दो वाइट कलर में फूल आए हुए हैं, देखिए। और इधर में भी नया एक ब्रांच निकला हुआ है और इसमें भी कलियाँ अब आएंगी। और यहाँ में भी देखिए, ये देखिए इधर में भी न्यू ब्रांचेस निकल रही है। ये मैंने इसी साल लगाया हुआ है, इसीलिए ये छोटा है पौधा। इसमें मैंने इसमें मैंने फरवरी में यह फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, और देखिए अब तो मार्च महीना है, इतनी अच्छी तरह से इसकी फ्लावरिंग हुई है और ये खूब अच्छी तरह से फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आप लोग के भी रोज़ प्लांट में इसी तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए मार्च महीने में, तो आपके भी फ्लावर में पौधे में खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।